कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भविष्य में सभी जेल का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा। ये और कंपनियां कैदियों की जिंदगी तक खरीद लेती हैं और उनका इस्तेमाल अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए करती है। इंसानी जिंदगी की कीमत पर अजीबोगरीब खेल खेले जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में कुछ कैदियों को चाइना की एक ऐसी ही जेल में ले जाया गया। उन्हें एक लाइन में खड़ा करके उनके नाम और वह किस जुर्म की सजा काट रहे हैं इस बारे में पूछा गया। अपराधियों में एक रिकी नाम का 20 साल का लड़का भी था, जिससे हत्या करने के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। वो बाकी सब की तरह नहीं था। वह गार्ड की बातों को ना मानकर अपने हिसाब से चलता, तो लाजमी है कि उन गार्ड को वह शुरुआत से ही पसंद नहीं आया। तो जैसे ही उसकी बॉडी में मेटल डिटेक्टर मशीन का अलार्म बजा, वो सब उस पर टूट पड़े और उन्होंने उसके शरीर का एक्सरे निकलवाया, जिसमें पता चला कि उसके शरीर के अंदर कई सारी बंदूक की गोलियां धंसी पड़ी है। जब उससे पूछा गया कि उसने डॉक्टर को इन्हें निकालने क्यों नहीं दिया, तो रेकी ने जवाब दिया कि ये तो तोहफा है उस आदमी की तरफ से जिसका कत्ल उसने किया था। उसका जवाब सुनने के बाद किसी की आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और उस जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से का एक लीडर भी था जो वार्डन के साथ मिलकर काम किया करता था। एक दिन सैमुअल नाम का एक कैदी बाथरूम में एक बुंजुक आदमी को परेशान कर रहा था। सैमुअल और उसके चेलों ने बिना बात के उसे मारा और उसकी नाक तोड़ दी। इसकी आवाज सुनकर एक गार्ड वहां आया, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सब सैमुअल ने किया है, तो वो चुपचाप आप वहां से चला गया कि तभी रिकी दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने सैमुअल को टांग अड़ाकर 1 किलो से भरी लकड़ी पर गिरा दिया। सैमुअल के आधे चेहरे पर कीलें ठोक गई, लेकिन वह मरा नहीं। उसके चमचों ने रिकी को डराने की कोशिश की, लेकिन उसके एक बार घूमने पर वो समझ गए कि ये चाइनीज सनी देओल हैं। इससे पंगा लिया तो चीर देगा, फाड़ देगा, मार देगा। तो वो अपने जख्मी बॉस की देखभाल में लग गए। सैमुअल की मरहम पट्टी हो जाने के बाद वो रिकी से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो जानता था कि वो अकेले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने जेल के सबसे बड़े कातिल को उसे मारने के लिए तैयार किया। लोग उसे अगला ड्रैगन भी बुलाते थे, क्योंकि ये भैंसा आज तक 50 से ज्यादा कैदियों को मार चुका है। सैमुअल ने एक गार्ड को चुपके पैसे देकर उसे बाहर निकलवाया। अगले दिन उसने बाथरूम में रिकी को देखा और 100 धराधड़ मुक्का मार दिया। रिकी उठा और बस एक ही बार में मारा कि उसक अंतड़ियां बाहर निकाल दिया। जब सैमुअल ने बीच में आने की कोशिश की, तो रिकी ने इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह उसके पेट के आर पार हो गया। सैमुअल भी मारा गया। जब गार्ड्स रिकी को लेकर जा रहे थे, तो वेस्ट विंग का लीडर हाय उससे मिलने आया। उसने उसे अपनी गैंग में शामिल होने का न्योता दिया। रिकी को ये सब ज्यादा पसंद तो नहीं था, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। इसके बाद हमें रिकी की बीती जिंदगी दिखाई जाती है। उसके माँ बाप के मारे जाने के बाद वो एक अनाथ आश्रम में रह रहा था। एक दिन जब वो उनकी कब्र पर गया, तो उसे वहाँ उसके चाचा मिले, जो कि एक बहुत बड़े कुंग फू मास्टर हैं। उन्होंने रिकी के अंदर की प्रतिभा को पहचाना और उसे कुंग फू सिखाना शुरू कर दिया। वो हर रोज कब्रिस्तान में ही प्रैक्टिस किया करते थे। रिकी ने ट्रेनिंग पर और ध्यान देने के लिए स्कूल तक जाना छोड़ दिया। समय के साथ वो बेहतर होता गया और जब उसने अपनी छाती से एक पत्थर को तोड़ दिया, तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। वर्तमान समय में रिकी को वार्डन के असिस्टेंट हुक के पास ले जाया गया। उसके नाम की तरह उसके दाएं हाथ की जगह भी एक हुक लगा हुआ था। जब गार्ड ने उसे बताया कि रिकी ने क्या किया है, तो वह गुस्से से भर गया। उसने अपना हाथ हुक रिकी के हाथ में गाड़ दिया और उससे उसकी ताकत का राज पूछा। जवाब न देने पर हुक ने रिकी की गर्लफ्रेंड की फोटो निकाली और उसकी बेइज्जती करने लगा। उसने गुस्से में टेबल को ही तोड़ दिया और हुक को चेतावनी दी कि अगर उसे जिंदा रहना है तो अपने काम से मतलब रखें। लगभग 1 साल पहले रिकी की जिंदगी बहुत खुशनुमा थी। वो फेफे नाम की लड़की से बेहद प्यार करत था। वो दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन यह शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। एक रात जब फेफे घर जा रही थी, तो उसने कुछ गुंडों को स्कूल के बच्चों में अफीम बांटते हुए देखा। उन्होंने उसे देख लिया और पकड़कर अपने बॉस के पास ले गए। वो बॉस उसे गंदी नजर से फेफे को देखता है, लेकिन फेफे किसी तरह बचकर वहाँ से भागी, लेकिन छत पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया।
और नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। रिकी की पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। वो फेफे की मौत का बदला लेने उस गैंग लीडर के पास गया। उसने रिकी पर कई गोलियां चलाई और उसे लगी भी, लेकिन फेफे को खोने के दर्द के सामने यह उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक ही मुक्के में उसका काम तमाम कर दिया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। अगले दिन वेस्ट विंग के कैदियों ने सैमुअल के एक चमचे पर हमला कर दिया, क्योंकि सैमुअल के दम पर वो सबको बहुत परेशान करता था। अब जब उसका बॉस नहीं रहा तो वो सब उससे बदला लेना चाहते हैं। तभी हाय ने वहां आकर उन सबको रोका, लेकिन जब उसके कहने पर भी क्योंग नाम का एक कैदी नहीं रुका तो हाय अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसने क्योंग को मारा और पूरी जेल के सामने एक क्रॉस पर लटका दिया। उसने सबको खुली चुनौती दी कि अगर कोई भी उसके विरुद्ध जाकर क्योंग को बचाना चाहता है तो सामने आए। वो सब अपने दोस्त को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाय के विरुद्ध जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर रिकी क्योंग को बचाने के लिए सामने आया। उनके बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। हाय ने एक पाउडर रिकी की आंखों में फेंक दिया ताकि उसे कुछ दिखाई न दे। मौके का फायदा उठाकर उसने उसके दाएं हाथ की एक नस भी काट दी, जिससे रिकी का वो हाथ पैरालाइज हो गया। कि तभी रिकी ने पानी के फव्वारे में अपनी आंखें धोई और अपने हाथ की नस की गांठ मारकर लड़ने को तैयार हो गया। इसके बाद रिकी ने हाय के सिर के पीछे झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी आंख ही बाहर आ गई। अपने आप को हारता हुआ देख हाय मैं अपने पेट पर कट लगाया और अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर निकाली ताकि वो उससे फंदा बनाकर रिकी का गला घोंटकर उसे मार सके, और उसका यह दाव नाकाम रहा। रिकी ने आखिरकार उसकी खोपड़ी मुक्का दिया और हाय भैया चल बसे। उसे मारने के बाद रिकी ने क्योंग को नीच उतारा असिस्टेंट वार्डन की सिक्योरिटी के लिए। बाकी तीनों विंस के लीडर्स भी वहां आ गए। अगले दिन रिकी सोह नाम के एक आदमी से मिला। एक लीडर ने उसकी जीभ काट दी थी, जिस वजह से वो बात नहीं कर पाता था। रिकी ने उसे अपनी बांसुरी दे दी। खुश होकर सोने बदले में उसे अफीम के कुछ पत्ते दिए। थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चला कि जेल के साउथ विंग में वहाँ का लीडर और हुक मिलकर अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसे बाद में स्कूली बच्चों को बेच जाता है। क्योंकि फेफे की मौत भी अफीम की वजह से हुई थी, तो रिकी इसे रोकना अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। कुछ दिन बाद उन गैंग लीडर्स को सौ और रिकी की दोस्ती के बारे में पता चला। उन्होंने उसे घिनौने तरीके से मारकर उसके शरीर को बाहर फेंक दिया ताकि वो सबके लिए एक सबक बन जाए। रिकी को अपने नए दोस्त की मौत का बहुत दुख हुआ। उस रात उसने पूरी अफीम की फसल को आग लगा दी। साउथ विंग का लीडर गुस्से में उस पर झपटा। रिकी उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर तीनों लीडर्स एक साथ मिलकर लड़ने लगे। साउथ लीडर उनमें से सबसे दिमागदार था। नॉर्थ लीडर तेज धार वाले तारों से लड़ने माहिर और ईस्ट लीडर उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपनी शक्तियाँ को मिलाकर उसे बंदी बना लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ईस्ट विंग का लीडर उससे अकेले लड़ने पहुँचा, लेकिन तभी पूरा कमरा एक खास तरह की गीली सीमेंट से भर गया। रिकी ने वहाँ अपनी और ईस्ट विंग लीडर दोनों की जान बचाई, लेकिन इससे पहले कि वो हुक को छू भी पाता उसके शरीर पर लगी सीमेंट सख्त होने लगी। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। अगले दिन जेल का वार्डन अपने बिगड़ैल बेटे के साथ वापस लौटा। भारी भरकम शरीर की वजह से वॉन कारपेट पर फिसलकर गिर गए और उन जल्लादों ने इस बात पर कारपेट बिछाने वाले की जान ले ली। वार्डन जेल के कैदियों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार करता है। जब उसने अफीम की खेती में आग वाली बात सुनी तो उस खून खौल उठा। हूँ से उस कारागार के पास कर गया जहां उन्होंने रिकी को बांधा था। उसका शरीर अभी भी सीमेंट में जमा हुआ था, लेकिन वार्डन को देखकर रिकी ने वो सीमेंट की परत तोड़ डाली। उसने वार्डन की गर्दन पकड़कर वादा किए कि अफीम का कारोबार चलाने के लिए वो उसे मारेगा। कि तभी ईस्ट विंग के लीडर ने वहां आकर उसे रोका। वो इतना ताकतवर था कि उसने उन लोहे की सलाखों को मोड़कर रिकी के हाथों वे चारों तरफ हथकड़ियों की तरह घुमा दिया। वो वार्डन और उसके बेटे के मनोरंजन के लिए रिकी को पूरी तरह से पीटने लगा। इस दौरान उनमें से किसी ने फेमफे नाम बोला, जिसे रिकी के अंदर की आग को फिर से जला दिया। उसने अपने हाथों को वहां से निकाला और अपनी पूरी ताकत से उस लीडर के टेकवे पर मुक्का मारा। वो पल भर में मर गया, लेकिन इससे पहले कि वो वार्डन तक पहुंच पाता वो लोहे की बनी छत नीचे आने लगी। वो अपने आप को उसके नीचे कुचले जाने से बचाता है, लेकिन वार्डन के आखिरी जाल में वो फंस गया। अगले दिन उसे जमीन में बनाए एक गड्ढे में रखा गया और उन्होंने बंदूक की नोक पर सभी कैदियों को उस गड्ढे को भरने को कहा। वो डरते डरते इस काम को करने लगे। उसे सांस लेने के लिए
सिर्फ एक बैम्बू दिया गया। वो एक हफ्ते तक जमीन में दबा रहा। आठवें दिन वार्डन ने उसकी लाश को बाहर निकालने का हुक्म दिया ताकि सबको पता चल जाए कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो बिल्कुल ठीक था। मरना तो दूर की बात है, या भैया गुलाटियां मार रहे हैं। सारे कैदी उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन एक हफ्ता बिना खाने और पानी के रिकी कमजोर तो हो गया था। साउथ विंग के लीडर ने उसे आसानी से नॉक आउट कर दिया। जब आंख खुली तो उसने अपने आप को मौत के शिकंजे में पाया। अगर उसने हिलने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। बोर्ड ने रिकी की ताकत से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ मिल जाने को कहा। लेकिन रिकी इस बात पर भी उसकी बेइज्जती करता है और इस बात पर उसे और टॉर्चर किया गया। साउथ लीडर ने रिकी के मुंह में ब्लेड भर दिया और एक के बाद एक उसके मुंह पर मुक्के देने लगा। उसके रुकने पर रिकी ने वो ब्लेड वार्डन के मुंह पर दे मारे। रात के समय एक कैदी ने उसे खाना दिया और हिम्मत न हारने को कहा। ये देखकर हुक उसके कमरे में गया जहां रिकी ने उसके सपोर्टर को मार दिया और हुक की इकलौती ठीक आंख भी फोड़ दी। सभी कैदी वार्डन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। वार्डन किचन में अपने छोटे हाथी जैसे बेटे को खिला खिला कर और तुला कर रहा था। जल्द ही रिकी वहां पहुंच गया। नॉर्थ और साउथ लीडर्स भी वहां आ गए। उन तीनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार रिकी उन दोनों पर भारी पड़ा। रिकी ने साउथ विंग के लीडर को इतनी बेरहमी से मारा कि नॉर्थ वाला तो उसे देख के ही भाग गया। ऐसा लग रहा था मानो वार्डन की कहानी खत्म। लेकिन अचानक वो एक विशालकाय राक्षस में बदल गया। उनकी लड़ाई खतरनाक चल रही थी, लेकिन रिकी ने आखिरकार उसे मीट ग्राइंडर मशीन में घुसा दिया सिर्फ उसकी खोपड़ी को लेकर। रिकी बाहर आया और आखिरी सीन में जेल की दीवार तोड़कर उसने सबको आजाद कर दिया और यही पूरा मूवी खत्म हो जाती है। इससे अजीबोगरीब फिल्म तुमने शायद ही कभी देख होगी। तो इसके बाद कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी है कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज।